न्यूज स्टेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 6 बजने वाले हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, बड़ी खबर कोरोना को लेकर। देश भर में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर 20 दिन बाद देखने को मिला है। मौत का मामला सामने आया। शुक्रवार को 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 20 दिनों बाद डेली कोरोना मरीजों की संख्या 50 के पार चली गई। कोरोना संक्रमण के दर में भी इजाफा हुआ है। शुक्रवार को देश भर में कोरोना से 501 लोगों की मौत हुई है। सही साबित होने लगी आशंका, दिल्ली में फिर कसा कोरोना का शिकंजा। पहले त्योहारी सीजन और बाजारों में उमड़ी भीड़, और फिर दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में फैले प्रदूषण और स्मोक का कॉकटेल दिल्ली वालों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। त्योहारी सीजन के बीतते ही दिल्ली पर प्रदूषण और कोरोना का डबल अटैक हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे एक बार फिर दिल्ली कोरोना की चपेट में आती दिख रही है। 20 दिनों की राहत के बाद राजधानी में कोरोना फिर से लौटा है, और शुक्रवार को दिल्ली में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। एक्सपर्ट्स पहले ही इसकी चेतावनी दे रहे थे। दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। और कई ऐसे मरीज हैं जो इन महीनों में दिल्ली छोड़ के कुछ और जगह चले जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ वाली जो हवा है उसमें सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। इससे पहले दिल्ली में कोरोना से मौत का मामला 22 अक्टूबर को आया था। इस महीने में दिल्ली में कोरोना से पहली बार किसी की जान गई है, लेकिन खतरा और भी बड़ा है। दिल्ली में औसतन 20 से 25 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 62 नए मरीज मिले हैं, 0.12% हो गई है। यही हाल देश के दूसरे राज्यों का भी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित केरल में पिछले 24 घंटे में 6674 नए मामले सामने आए और 59 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। केरल में अभी भी कोरोना के एक्टिव केस 68805 हैं, जबकि मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 262 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक की जान भी चली गई। अगर देश की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 501 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना के 12,516 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 13,155 लोगों ने महामारी को मात दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पहले ही कोरोना की नई लहर को लेकर आगाह किया था। WHO के मुताबिक 53 देशों में कोरोना की नई लहर आ सकती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि भारत में कोरोना अब शायद एंडिंग स्टेज यानी खत्म होने के चरण पर पहुंच चुका है, यानी नए कोरोना मामलों की संख्या कम रहेगी, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसके कुछ कारण भी हैं, मसलन देश में कोरोना केस कम होने के साथ लापरवाही बढ़ रही है। वैक्सीन की दूसरी खुराक को लेकर लोगों की हिचक पड़ी है। पिछले महीने ही देश में 100 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक लगाने का जश्न मनाया गया, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी करीब 40 करोड़ लोगों ने दूसरी खुराक नहीं ली है। तमाम रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि वैक्सीन का सिंगल डोज बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है। वैक्सीन की रफ्तार भी घटी है। सितंबर में वैक्सीनेशन ने जोर पकड़ा था। एक ही दिन में 2,50,00,000 से ज्यादा डोज लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। रोज औसतन करीब 1 करोड़ डोज लगे, लेकिन अब आलम यह है कि 3 से 4 दिन में कुल उतने डोज लग रहे हैं जितने सितंबर में किसी एक दिन में लग रहे थे। देश के 40 जिले तो ऐसे हैं जहां फर्स्ट डोज कवरेज 50% से भी कम है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर कोशिश कर रही हैं। सबको वैक्सीनेशन देने के लिए सरकारी अमले को घर घर भेजने की योजना तैयार हो रही है, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने स्तर पर सावधानी बरतें, ताकि कोरोना को पूरी तरह से मात दी जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।